हेलो गाइस, एक्सट्रीम इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि ये जो होम थिएटर इसमें कैसे ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब आपका ये जो डब्बा कह सकते हैं, इसको डब्बा होम थिएटर है। ये देखिए, ये जो होम थिएटर है इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, इसमें आपका ऑडियो जैक होके या तो आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी स्लॉट हो गया। ये देखिए, मैं इसमें चलाता हूँ ये जो पेन ड्राइव घुसा के, अदरवाइज मैं ऑडियो जैक घुसा के मैं चलाता हूँ, जैसे कि मोबाइल पे कनेक्ट हो गए ऑडियो जैक कहता है, उसको मैं लगा के चलाता हूँ। तो आज हम इसमें जो ब्लूटूथ सिस्टम कर देंगे, इसमें ना ही कोई वायर का जरूरत होगा, ना ही कोई आपका मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव या कुछ जरूरत होगा। तो चलिए, वीडियो को देर ना करें, शुरू करते हैं। तो ये होम थिएटर में आपको अगर ब्लूटूथ सिस्टम करना है तो उस सबसे पहले आपको चाहिए, जैसे कि ये देख लीजिए आप, ये जो ब्लूटूथ हेडफोन, ये था ब्लूटूथ हेडफोन मेरा। ऑलरेडी इसका क्या हो गया, इसका जो एयर स्पीकर था, ये दोनों मेरा खराब हो टूट गया था, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैं रख दिया था। तो मैं आज मेरा जो डब्बा होम थिएटर है इसको मैं ब्लूटूथ सिस्टम करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैं काट लिया हूँ इसको, देख सकते हैं मैं ये काटा हुआ है। तो ये जो वायर है, ये दोनों वायर निकल लेना चाहिए। चलिए इसको दिखाते हैं, ये वायर को कैसे छीलना चाहिए। ये वायर सबसे मतलब कठिन काम है इसको छीलना, ये इतना पतला होता है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसको अगर आप काटने जाएंगे तो ये वायर खराब हो जाएगा, ये वायर खराब हो गया तो आपका साउंड क्लियरनेस नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको काटना सीखना सबसे बड़ा बात है। तो चलिए आपको काटना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। ये देखिए, ये जो वायर है, एक आप कैंची ले लीजिए, कैंची से इसको बीच बराबर करके आप इसको काट दीजिए। काटने के बाद इसको कैंची या कुछ ब्लेड से इसको मत कीजिए, इसको आप कीजिए एक लाइटर या आप एक माचिस ले लीजिए, तो लाइटर से थोड़ा इसको बर्न करो, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो देखिए ये जगह नरम हो गया, इसको घीच दे, इसके आराम से वायर निकल के आ गया, लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पकड़ लेना है आपको, एकदम बीच बराबर एकदम वायर को पकड़ लेना है, डरे ना, आपका हाथ नहीं जलेगा। ये देखिए, ये वायर जल गया, जल गया मतलब ये जो वायर है, ये देखिए ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं, एक हो गया रेड, क्लियर करके, एक हो गया रेड, एक हो गया आपका गोल्डन कलर का। तो ये ऊपर में जो इसका निकोटिन रहता है, ये दोनों का दोनों टच नहीं होता, ये दोनों का दोनों कभी टच करने से शॉर्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो ऊपर में जो कोटिंग रहता है, ये कोटिंग को आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आउटपुट निकल पाएगा। तो चलिए इसको कैसा किया जाता है, एक आप चाकू या ब्लेड आप कुछ भी ले लीजिए, तो मेरे पास चाकू है, ये देखिए, इसका सबसे पहले आपको साफ करना पड़ेगा, तब जाके इसका ऑडियो क्लियर से निकलना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो सके, वीडियो में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा इसको कैसे क्या करना है। तो हम लोग का ब्लूटूथ ऑलरेडी ये सब सारा इसका काम रेडी हो चुका है। तो चलिए, तो इसमें आपका आयरन या कुछ ये का जरूरत नहीं है कि आयरन चाहिए, कोई सोल्डरिंग चाहिए, तब जाके इसमें कर सकें, ये आप होम मेड है, ये आप खुद घर में बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक एवी कोड चाहिए, एवी कोड मतलब ये कोड आप समझ गए, ये कोड कुछ कोई भी खराब हो आप इसको ले लीजिए, इसको बीच से यहाँ से काट दीजिए, तो देख सकते हैं ये मेरा आ गया। तो इसको भी क्या करें, इसमें भी बहुत एक मोटा तार रहता है, पतला तार रहता है, तो मेरा रिक्स लेने का जरूरत नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, बंद मतलब थोड़ा मैं गर्म कर देता हूँ इसको। ये देखिए, दोनों तार निकल गया, एक होता है बीच में और एक होता है बाहर में, ये दोनों को ठीक से घुमा लीजिए इसको, तो हो गया, ये हम लोग रेडी, ये हो गया रेडी। तो एक्चुअल में मुझे ये दो कोड लगाना था, ये वीडियो में बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ही कोड लगा के मैं आपका साउंड सिस्टम बजा के मैं इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें कोई माइनस प्लस या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है,
तब किसी एक में लगा दीजिए, आपका साउंड आ जाएगा। आपका पास अगर सोल्डरिंग है तो इसके ऐसे घुमा के ऐसे सोल्डरिंग कर देने से अच्छा रहता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शॉर्ट होने से भी कोई टेंशन नहीं आपको। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑलरेडी हो गया। जो ब्लूटूथ है, ये जो वायर है, ये वायर इसमें आके कनेक्ट हो गया। लोग देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का वायर है, इसमें ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो और एक तरफ मुझे ऐसे ही सेम लगाना है, तो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं एक ही लगा के मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट ट्राई करिए। तो देख सकते हैं ये मेरा होम थिएटर, ये जो ब्लू लाइट है, ये होम थिएटर मेरा ऑन हो चुका है। तो मैं इसका पेन ड्राइव खोल दिया, इसमें जो गाना है, जो बॉलीवुड का गाना है, तो इसमें बस अगर साउंड आने से तो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। तो मैं आपको ब्लूटूथ हेडफोन से इस कंप्यूटर में लगा के मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मैं ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने से आपको यहाँ पे लाइट दिखाई देगा, ये देखिए रेड एंड ब्लू लाइट रनिंग है। तभी मैं अपना मोबाइल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल यही कनेक्ट। ये पेर होगा, ये पेर हो चुका है मेरा। तभी मैं एक कोई भी मैं एक गाना प्ले करता हूँ। देखिए मेरा गाना ये प्ले हो रहा है। तो चलिए मैं ये होम थिएटर का जो चेक पिन है, तो मैं होम थिएटर का पीछे में लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ उसका। ये देखिए उसका जो चेक इसमें मैं लग गया, ये होम ब्लूटूथ में खोल दिया। ये देखिए मैं फिर लगा रहा हूँ, ये मोबाइल से बजा रही है। मैं दूसरा गाना लगाया, तो गाइस आप लोग देख चुके हैं, तो ये मेरा सक्सेस है।
तो आप भी घर में कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसमें सेलो टेप या कुछ भी इसमें नहीं लगाया हूँ, ये डायरेक्ट ओपन ही है, ये आप इसमें लगा ले। तो मैं एक साइड का लगा हुआ और एक साइड का मैंने नहीं लगाया। तो एक साइड का मैं एक साइड का जैसे पकड़ लीजिए आप गाड़ी गाड़ी के लिए 100 केबल चाहिए, तो 100 केबल आप दूसरा में आपका गाड़ी गाड़ी का ये में आपका ऐसे ऑडियो जैक सिस्टम नहीं है, ऐसा ए बी सिस्टम नहीं है, आपका ऑडियो जैक है तो ऑडियो जैक भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा काट लीजिए एक साइड से, ये जो ऑडियो जैक हो गया ये जैक को काट लीजिए, काट के यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, फिर आप आपका कार या कुछ भी में आपका जैसा सिस्टम है वैसा सिस्टम लगा, कुछ भी जैक पिन लगाए इसमें ये 100% सक्सेस है। इसलिए ये ब्लूटूथ आपका अच्छा होना पड़ेगा। अगर ये ब्लूटूथ आपका घर में खराब भी नहीं है तो ये 199 या 200 रुपीज लेता है, ये ऑनलाइन स्नैपडील वगैरह कुछ मिंत्रा सेंत्रा में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में चला जाइए, इसको खरीद लीजिए। आपका जो डब्बा होम थिएटर है उसको ब्लूटूथ होम थिएटर कर दीजिए बस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही अगला कुछ वीडियो आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए जो घर में पड़ा हुआ सामान है वो सामान आपका काम में आ जाएगा। जैसे कि अगला मैं बनाने वाला हूँ इसमें आपका जो टीवी आपका डब्बा टीवी है घर में, वो टीवी कैसे आपका ऑनलाइन से देख सकेंगे। तो वीडियो इस चैनल पर बने रहे अगला वीडियो के लिए।